वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाएंगे एक स्ट्रीट फूड चूरमुर। ये एक बहुत ही टेस्टी एक स्ट्रीट फूड है, आप घर पे बनाएं जरूर। चलिए बनाने शुरू करेंगे चूरमुर या फिर पापड़ी चाट। बड़ा बर्तन ले लें और इसमें हम लोग डाल लेंगे उबले हुए आलू को। देखिए इस तरह से मैंने टुकड़े टुकड़े करके रखे हुए हैं छोटा छोटा, और इसको हम लोग पूरा इसमें डाल लेंगे। देखिए इन आलूओं में अब हम लोग मिला लेंगे ये उबले हुए चने हैं जिसको मैंने भिगो दिया था, और फिर इसको अच्छे से मैंने उबाल लिया है। ये उबले हुए चने हैं, हम लोग इसमें डाल लेंगे उबले हुए चने। साथ में डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज, साथ में डालेंगे कटे हुए हरी मिर्च, जिस हिसाब से आप तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालें। साथ में हम लोग मिला लेंगे कुछ धनिया की पत्तियाँ, और इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार हल्के हाथों से जेंटल मिक्स दे लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम लोग इसमें बाकी सामग्री, इसमें हम कुछ ड्राई पाउडर मिला लेंगे। सबसे पहले हम लोग मिलाएंगे लाल मिर्च का पाउडर, आप जिस हिसाब से तीखा खाते हो उसी हिसाब से डालें, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी डाला है। अब डालेंगे हम लोग करीब डेढ़ चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर। ये मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था जीरा को, उसके बाद उसको मैंने महीन पीस के इसको ऐसे पाउडर बना लिया है। अब डालेंगे काला नमक, साथ में डालेंगे सफ़ेद नमक स्वाद अनुसार, और साथ में जाएगा इसका मेन इंग्रेडिएंट, ये है आपका चाट मसाला। इसके बगैर ये अधूरी है। देखिए ये सारे सामग्रियों को डालने के बाद हम लोग इसमें मिला लेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी के लिए आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। साथ में डालेंगे जो हरी चटनी होती है वो हरी चटनी। देखिए इस तरह से हम लोग कुछ हरी चटनी डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए। साथ में डालेंगे जो उबले हुए मटर होते हैं, देखिए मैंने इस तरह से मटर को उबाल के रख लिया, ये उबले हुए मटर है। और साथ में हम लोग इसमें मिलाएंगे करीब 3 बड़े टीस्पून का, ये है नींबू का रस। इसमें ये चटपटा जो स्वाद है ना, इसी में आएगा। अब इसको कर देंगे हम लोग मिक्स। देखिए इस तरह से इसको करेंगे मिक्स। अभी से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, बहुत ही बढ़िया बनेगा, आप घर पे बनाएं ज़रूर इसको। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ तक होने के बाद अब हम लोग इसमें मिला लेंगे तोड़ के जो गुपचुप होती है ना, बस वही इसको तोड़ के हम लोग इसमें मिला लेंगे। देखिए इस तरह से तभी तो बनेगी। देखिए इस तरह से आप गुपचुप को तोड़ें और इसमें मिलाएं। इसमें खूब सारा गुपचुप जाएगा जितना आप बना रहे हैं। करीब मैं यहाँ पर करीब 7-8 जन के लिए बना रही हूँ, तो मैं करीब नहीं मैं कम से कम 30 से 35 गुपचुप को इस तरह से तोड़ के इसमें मिला लूँगी। इस तरह से इसको तोड़ के इसमें डाल लें और इसको करें मिक्स। ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है, ये एक स्ट्रीट फूड है, कलकत्ता तरफ बिहार तरफ तो बहुत मिलता है। देखिए इस तरह से इसको हम लोग करेंगे मिक्स और करेंगे सर्व एकदम चटपटा। चलिए अब सर्व कर लेते हैं हम लोग फटाक से। अब इसको हम लोग कर लेंगे सर्व। गुपचुप के ठेले में मिलता है ना ऐसे ही, देखिए लीजिए, ये देखिए यह बनके तैयार है हमारा चूरमुर।
अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।